मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं तीन, द इनर मोस्ट इज कॉल्ड एज रेनल कैप्सूल, द आउटर वन इज कॉल्ड एज रेनल आउटर वन रेनल फैशिया, द मिडल वन इज कॉल्ड एज रेनल एडिपोज टिश्यू। बाहर से अंदर की तरफ पूछा जाए तो पहले क्या आएगा फैशिया, फिर क्या आएगा एडिपोज, और फिर क्या आएगा रेनल कैप्सूल आएगा। ये समझ आया ना? और तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं रेनल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। तो याद रखेंगे किडनी के अंदर टोटल तीन रेनल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो एकदम क्लियर हो गया अभी। यहां तक समझ आया? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अब आप मान के चलिए फॉर इधर देखिए, अब आप मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने किडनी को लिया, इधर समझिए इधर नजर रख लो बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने एक किडनी को ले लिया और इस किडनी को मैं चाकू से बेटा कैसे काट रहा हूं, एलएस से काट रहा हूं, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से काट रहा हूं। जब आप इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से काटेंगे तो बाहर क्या दिखेगा फैशिया, बीच में क्या दिखेगा अंदर क्या दिखेगा, और उसके अंदर फाइनली आपको क्या दिखेगा एक्चुअल रेनल टिश्यू दिखेगा। ये समझ आया ना? जब इस एक्चुअल रेनल टिश्यू को आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये रेनल टिश्यू बेटा आपको किडनी के अंदर तीन लेयर्स में मिलेगा बेटा। ये आपको तीन लेयर्स में देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सबसे बाहर वाली लेयर की बात करेंगे, ये आपका आउटर मोस्ट लेयर यहां पे दिख रहा है,